हेलो गाइस, वेलकम टू राउस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग एक ठो एम्पलीफायर बनाएंगे, जो घर का पुराना वाला या वो स्टेज वाला सामान होता है उनसे। तो मैंने यहाँ पे दो ठो स्पीकर्स ले लिया है ऐसा, तो आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा ख़राब था, मैंने इसको ठीक कर लिया है। दूसरा जो चाहिए होगा हम लोगों को, एक ठो एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि मेरे को मार्केट से 40 रुपीज़ में मिल गया है। PAM8403 5 वोल्ट का है। और मैंने एक तो पुराना वाला बॉक्स था मेरे पास घर पे, तो मैंने उससे ये निकाल लिया है। तो इसमें वायर लगा लेंगे हम लोग, और पावर सप्लाई के लिए एक तो यूएसबी केबल चाहिए होगा और कुछ वायर्स चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले जो हम लोगों को करना है, पहले कोई भी यहाँ से एक तो स्पीकर को हम लोग खोल लेंगे। तो चलिए कोई भी एक स्पीकर को खोल लेते हैं। मैं इसको खोल लेता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो, तो मैंने इसको खोल लिया। यहाँ पे जो स्पीकर है इसको अलग खोल लेते हैं, और इसका जो वायर है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसका वायर जो है मैंने निकाल लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका जो वायर है हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, नीचे से इसके अंदर हम लोग जो वायर है इधर से डाल देंगे। तो गाइस, आप लोग जो देख सकते हैं, ये जो स्पीकर है, इसका वायर मैंने यहाँ पे ला लिया है। और ये जो स्पीकर है, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वायर काट के, जो पूरा इसके जो वायर निकला वो काट के हम लोग सोल्डिंग कर लेंगे। तो इसे थोड़ा सा वायर काट लेते हैं। जो मैंने वायर काट लिया, इसको प्लस माइनस देख के वायर को जो प्लस में लगा रहा हूँ, जो वायर इसको प्लस में कनेक्ट कर दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट है। तो गाइस, आप देख सकते हो हम लोग करना है। तो अब जो करना है हम लोगों को, जो ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसका जो आउटपुट है, तो इनमें दो वायर और इसका दो वायर प्लस माइनस देख के हम लोग लगा लेंगे। तो ये जो है राइट का प्लस है, मैं राइट का प्लस इसमें लगा रहा हूँ। दोनों दो तरफ लगा लेंगे। तो मैंने जो है, आप लोग देख सकते हो, मैंने प्लस और माइनस देख के दोनों स्पीकर का जो है कनेक्शन कर लिया है आउटपुट का। अब जो बाकी है हम लोगों का, यहाँ पे जो है ऑक्स का लाइन देना पड़ेगा, ग्राउंड और लेफ्ट राइट, और यहाँ पे है 5 वोल्ट DC प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो इसका कनेक्शन भी हम लोग कर लेंगे। मैं जो यहाँ पे है पावर सप्लाई के लिए, मैं फ़ोन का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इसको देख लेते हैं कि ये USB केबल ठीक है या नहीं। तो इसको जो है हम लोग यहाँ से काट लेते हैं, कुछ कटर की मदद से इसको काट लेते हैं। तो अब इसके निकाल लेंगे, वायर निकाल के चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। अभी जो है हम लोग इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। ये जो पावर सप्लाई का लाइन है वो भी दे देंगे हम लोग। तो मैंने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों वायर कनेक्ट कर दिए है। अभी जो है हम लोगों को ऑक्स का लाइन जो है वो देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, चलिए ऑक्स का जो हम लोगों को, तो ये बनाना पड़ेगा पहले। तो इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं।
हम लोग ऑक्स का जो है ये कनेक्ट कर लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं ग्राउंड और वो, तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो है वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो आवाज़ आ रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे इसका लेफ्ट या राइट जो भी है, इसको चेक कर लेंगे। जो एकदम नीचे ऊपर का कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला मतलब वर्क कर रहा है। तो बीच वाला में रख के देखते हैं, बीच वाला है जो बीच वाला, ये जो है राइट हो गया। और जो एकदम नीचे वाला है इसमें, और इसको कनेक्ट करके देखिए ये है ग्राउंड। तो हम लोग तीनों वायर इसमें लगा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन वायर्स ले लिया है, ब्लू येलो और ग्रीन कलर का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको जो करेंगे हम लोग जो है ब्लू कलर को जो ग्राउंड में लगाएंगे, और ग्रीन और येलो जो है इसको हम लोग कुछ भी लेफ्ट साइड में दे देंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो ग्राउंड और लेफ्ट साइड का कनेक्शन यहाँ पे कर लिया है। तो अब हम लोग इसको इसमें जो है हम लोग एमसील लगा लेंगे। जो एमसील जो है जो हार्ड हो जाएगा तो वो टूटेगा नहीं आसानी से, इसमें जो लगा लेंगे हम लोग एमसील लगा लेंगे इसमें। अब जो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एमसील लगा के जो है मैं थोड़ा हीट कर लिया है ताकि ये हार्ड हो जाए, थोड़ा ताकि काम कर सके। तो अब जो है इसको जो एंड है इसका, तो हम लोग इसका ग्राउंड और लेफ्ट साइड से कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस आप लोग जो देख सकते हो मेरा ऑक्स केबल जो है वो रेडी है, इसको हम लोग जो है ग्राउंड और लेफ्ट साइड में हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये गलती कर दिया था, मैंने पहले ही सोल्डिंग कर दिया था जो ऑक्स और जो इसी जो लाइट है पावर सप्लाई का, फिर से मेरे को खोलना पड़ा और फिर मैंने यहाँ पे भूल किया। मैंने सोचा कहाँ से निकालू है, फिर से मैंने ऐसे हुआ है भूल करके मैंने अंदर से करके मैंने सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए गाइस हम इनको जो है फिटिंग कर रहे हैं, सब सेट करके फिर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। जो स्पीकर हम लोगों ने बनाया है वो रेडी है। तो जल्दी से हम लोग ये जो यूएसबी केबल है हम लोग चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या चार्जर के साथ, चार्जर के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है। तो आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा होगा कुछ, तो चलिए चेक करते हैं चलता है क्या नहीं। तो इसको जो है हम लोगों ने चेक कर लगा लिया है, अब जो है इसको ऑन कर लेते हैं। सो गाइस आप लोगों को जैसे सुनाई दे रहा होगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो म्यूज़िक बज रहा है, म्यूज़िक जो है बज रहा है। तो इसको देखते हैं तो साउंड चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है अभी देख सकते हो आप लोग साउंड जो है कम किया हुआ है, साउंड कम किया हुआ है। तो मैं धीरे धीरे साउंड बढ़ाऊँगा। साउंड जो है बढ़ा देता हूँ, तो अभी जो है वॉइस सुनाई नहीं देगा, मैं अभी बोलना बंद कर देता हूँ तो आप लोग सुन पाओगे अच्छे से। देख लीजिए साउंड क्लियर, साउंड जो है क्वालिटी बहुत ही क्लियर है, और इसका बीट भी जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो देख लीजिए मैं साउंड बढ़ा रहा हूँ। तो अभी जो है मैंने फुल साउंड कर दिया है। मैंने इसको सुन के आप लोग साउंड का वो सोच देख पाओगे कि दूर जाने से आपका साउंड जा रहा है। तो ये सामने में लेके जा रहा हूँ इसका, देख लीजिए। सो गाइस आपने देखा कि वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।